जो स्वामी विवेकानंद शहीद भगत सिंह। असली हीरो तो वो है जो तुम्हारा जान बचाने के लिए अपने जान को मर मिटाने का काम करता है। आज वो हीरो न रहे इस देश में तो एक भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकते। तो आज के जमाने में संस्कृति संस्कार इतने पीछे चले जा रहे हैं, लोग माँ बाप का सम्मान नहीं करते हैं, वृद्धाश्रम में माँ बाप को ले जाकर के छोड़ आते हैं, जो माँ 9 महीने कोख में आपको पाल पोष करके बड़ा की, आज उसी माँ को उसी पिता को ले जाकर के वृद्धाश्रम में डाल देते हो। एक बड़ी ही सुंदर घटना, दिल्ली की सत्य घटना, ध्यान से सुनिएगा, बता रही हूं। एक वृद्ध माँ थी, विधवा माँ, उसके गोद में एक छोटा बालक था, बड़ी प्रेम करती थी, भिक्षा मांग करके बच्चे का लालन पालन करती थी। मैया ने सुना था कि बाबा फरीद को जलेबी बहुत पसंद है, पूरे दिन भिक्षा मांगी और जलेबी को खरीदी। जलेबी को लेकर के बाबा फरीद के पास जाती है और कहती है, बाबा आप इस जलेबी को खाइए और मेरे पुत्र को दुआ दीजिए, लंबी उम्र की कामना करिए, मेरा बेटा पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बन जाए। जैसे ही माँ ने जलेबी लोग को दिया, बाबा फरीद ने मना कर दिया, माँ मैं इस तेरे जलेबी को नहीं खा सकता। माँ ने कहा, क्यों बाबा, आप मेरे जलेबी को क्यों नहीं खा सकते हो? बाबा ने कहा कि हे माँ, आज मेरा रोजा व्रत है, अगर मैं तेरे जलेबी को खा लूंगा तो आज मेरा व्रत टूट जाएगा, और जब मेरा व्रत टूट जाएगा तो मेरा खुदा मुझसे रूठ जाएगा, इसलिए मैं ये तेरे जलेबी को नहीं खा सकता। आज माँ के हाथों में जलेबी दे देते हैं, माँ आज पुत्र को उठा करके अश्रुधार बहला के फूट फूट करके रोने लगी और कहने लगी कि हे बेटे, हम गरीबों के भाग्य में तो आशीर्वाद भी लेना नहीं लिखा है, हम गरीबों को कोई आशीर्वाद भी नहीं देता, हम तो अभागिन हैं, मेरे बेटे को कौन आशीर्वाद देगा। जैसे ही माँ को रोते हुए बाबा फरीद ने देखा, आवाज लगाई, अरे ओ माँ इधर आ। माँ बेटे को लेके आती है और कहती है कि क्या हुआ बाबा? बाबा ने माँ के हाथों से जलेबी लिया और जलेबी को लेकर के खाना प्रारंभ किया। मैया ने कहा, बाबा आप ये क्या कर रहे हो? बाबा ने कहा, माँ आज मुझे इस जलेबी को खाने दो। मैया ने कहा, बाबा आज आपका व्रत टूट जाएगा, आप इस जलेबी को मत खाओ बाबा, आपका खुदा रूठ जाएगा। बाबा ने कहा, माँ मैं इस जलेबी को खाऊंगा, मुझे मत रोको, मैं जलेबी को खाऊंगा, मेरा खुदा मुझसे रूठ जाए तो रूठ जाए, मेरा खुदा मुझसे रूठ जाए तो रूठ जाए, मेरा व्रत मुझसे भले टूट जाए तो टूट जाए, लेकिन एक वृद्ध माँ का दिल नहीं टूटना चाहिए, एक प्यारी माँ, एक विधवा माँ का दिल नहीं टूटना चाहिए। बाबा फरीद ने जलेबी खा करके आशीर्वाद दिया, मैया चलने लगी अपने घर को गई। वही बेटा कुछ दिन बाद बड़ा हुआ, पढ़ लिख करके नौकरी पा लिया, चला गया काम पे। मैया सुबह से प्रतीक्षा करती रही भोजन रख के, बेटा रात में देर से घर पे आया, माँ को जगाया नहीं, सो गया। उस दिन बेटे का जन्मदिन था, माँ गई आधी रात को पुत्र को जगाने कि आज आरती कर ले बेटा, तेरा जन्मदिन है। कहा जाता है प्यारे, जब कच्चे नींद में किसी को जगा दो तो बड़ा जोर से क्रोध आता है, पीटने का मन करता है ना। माँ बेटे को कच्ची नींद में जगाने गई, अरे बेटा सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं है मेरे लाल, उठ हाथ पैर धोल के भगवान की आरती कर ले, कुछ खा ले बेटा। बेटा ने बड़ा जोर से झल्ला के बोला, अरे माँ तू क्या कर रही है, तू माता नहीं तू तो कुमाता है, तुमने तो मेरी सारी रात की नींद ही हराम कर दिया, चल हट जा यहाँ से, फिर दोबारा पास नहीं आना।
इतना जोर से झल्ला के बोलता है। आज एक पल में माँ खामोश हो जाती है, रोने लगती है, कहती है अरे बेटा आज एक घंटे में तेरी नींद हराम हो गई, तेरी नींद को मैंने हराम कर दिया। और याद कर जिस दिन मैंने तुझे अपने कोख में रख के 9 महीने तक पाली ढोई, और जिस दिन तुझे जन्म देना था, तुझे जन्म देने के लिए मैं पूरी रात नहीं सोई, पूरी रात की नींद हराम हो गई, तुझसे एक बार भी नहीं कहा अरे बेटा तुझे जन्म देने के लिए मेरी सारी रात की नींद हराम हो गई, और आज तुझे जगा के आ दिया, तू कहता है कि मेरी नींद हराम हो गई, तू कैसा बेटा है रे। एक माँ अपने पुत्र को जन्म देने के लिए अपनी सारी सुंदरता त्याग देती है, परंतु जब वही पुत्र बड़ा होता है तो एक पत्नी के सुंदरता के लिए अपने माँ को हमेशा हमेशा के लिए त्याग देता है, माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल देता है। अरे इस दुनिया में सब कुछ दोबारा मिल जाएगा, एक हमारी माँ है जो कभी दोबारा नहीं मिल सकते। माँ के दूध का कर्ज कोई नहीं चुका सकता है।